एक बार एक प्रिंसिपल ने फादर को ऑफिस में बुलाया बच्चे की कंप्लेन के लिए। तो फादर पहुंचे और पूछा कि क्या इशू है। तो प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चा लगातार पिछले कुछ दिनों से स्कूल की ऑफिस से चोरी कर रहा है। ये सुनकर फादर दंग रह गए और उन्होंने बोला, अरे मेरे बच्चे को चोरी करने की क्या ज़रूरत है, उसके पास मेरा दिया हुआ सब कुछ है। और आप मुझे बताएं भला कि वो क्या चोरी करता है, मैं भी सुनूं। तो प्रिंसिपल ने भी कुछ हैरान होकर बोला कि हमें भी सोचकर बहुत हैरानी हो रही है कि वो वाइट स्टेशनरी के पैकेट और कई बार सिर्फ पेजेस चोरी कर कर ले जाता है। तो ये सुनकर तो फादर और भी ज़्यादा असमंजस में पड़ गए और उन्होंने तपाक से बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैम, मैं खुद सरकारी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरे यहाँ मेरे टेबल पे इतनी स्टेशनरी पड़ी रहती है और मैं वो घर ले बार बार टाइम टू तो टाइम ले लाता रहता हूँ जब भी इन्हें ज़रूरत हो, तो इसे स्कूल के ऑफिस से चुराने की क्या ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के रोल की, कि बच्चा अगर कोई बिहेवियर एग्जिबिट करता है, कोई भी मिसमैनेजमेंट होती है, कुछ भी ट्रबल मेकिंग होती है उसकी तरफ से, कुछ भी उसमें स्पॉइल्ड चाइल्ड वाले अगर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो हम इधर उधर ताकने लगते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता, हमारा बच्चा ऐसा कैसे हो गया, ज़रूर उसने बिगाड़ा है, इसने किया है, उसने किया है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम छोटा छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं, हमारे ही बिहेवियर में ऐसी होती हैं जो हम एक रोल मॉडल या एग्जेम्पलरी होके बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और बच्चे के लिए वो सब कुछ सही होता है, गलत नहीं होता, क्योंकि वो उसके मम्मी या उसके पापा कर रहे हैं, उसके दादी या दादू कर रहे हैं, उसके चाचू या बुआ कर रही हैं। तो अगर आपको लगता है, आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि नेचर और नर्चरिंग दोनों का इक्वल रोल होता है किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या बिहेवियर एग्जिबिशन में, तो आप बताइए अपने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस या अपनी अपनी सजेशंस या अपने अपने आइडियाज़ बताइए कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी जनरल रूटीन की पेरेंटल बिहेवियर होती हैं जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं। हम पेरेंट्स समझते हैं कि हम बच्चे को सिखा सकते हैं, हम उसे गुड मैनर्स, गुड वैल्यूज़, गुड बिहेवियर सिखा सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, हम उसे कमांड कर सकते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं। नो, हम सिर्फ और सिर्फ खुद को एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने रख रहे हैं और वही बच्चा फॉलो कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, अपने आसपास की उदाहरणों से सीखता है। और इसी को लेकर हम कल एक वेबिनार करने जा रहे हैं, हाउ टू अवॉइड रेजिंग स्पॉइल्ड और ट्रबल मेकर किड्स। पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, बच्चों के घर रहने की वजह से, बहुत सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की जो कंप्लेंट्स और केसेस हमारे पास आ रहे हैं थ्रू आउट ग्लोब। तो हमें ज़रूरत है इस वक्त कुछ कारण जांचने की और कुछ चीज़ें यहाँ बिठाने की कि क्या अवॉइड करना ज़रूरी है। तो आइए कल मिलते हैं, हम सब जो कंसर्न्ड पॉजिटिव पेरेंट्स हैं, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग चाहते हैं, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से हटकर कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी में एक नए आयाम सेट करना चाहते हैं, वो सब हम एक साथ मिल रहे हैं कल 4 बजे वेबिनार पे। आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे हर पेज पर मिलेगी, सोशल मीडिया के, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब में। तो आइए हम सब मिलकर कुछ इन कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करें, डिस्कस करने की कोशिश करें, आपके सुझाव भी लेंगे हम कि हम क्या क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। तो तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।